सब्सक्राइब कीजिए इस सिंपल टेक्निकल चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम दत्ता, आप लोग देख रहे हैं सिंपल टेक्निकल चैनल। आप लोग हमारे सिंपल टेक्निकल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ एक स्मार्ट विजन विथ यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में जानते हैं फ्रेंड्स बहुत पैसेंस की जरूरत होती है। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पैसेंस चाहिए आप लोगों, जो यूट्यूब में हर कोई जल्दी सक्सेस नहीं कर पाता है। तो यूट्यूब में तो आप कर बहुत अच्छा बात है, यूट्यूब बिजनेस में बहुत बढ़िया बात है। अगर यूट्यूब में आप सक्सेस कर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं बोलूँगा यूट्यूब के साथ साथ आप छोटा मोटा, मैं जिस तरह से छोटा मोटा एक बिजनेस करता हूँ सप्लाई वाला, आप उस तरह से बिजनेस भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यूट्यूब के भरोसे रहना थोड़ा रिस्क हो जाती है फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूट्यूब के साथ साथ एक छोटा मोटा बिजनेस भी करें, जैसे कि मैं मसाला और ड्राई फ्रूट्स का सप्लाई का काम करता हूँ। चलिए मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से वर्क करता हूँ, किस तरह से घर पे ही छोटा मशीन लाके उसको पैकिंग वगैरह करता हूँ और माल की सप्लाई देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें काफ़ी लोग अर्निंग कर रहे हैं, बट हर किसी का अलग यूट्यूब साथ नहीं देता है फ्रेंड्स। तो और मेरे घर से बात है कि हालांकि सबके घर से यूट्यूब की सपोर्ट नहीं मिलता है, मेरे घर से तो एकदम ही नहीं मिलता है, जिस कारण से मुझे छोटा मोटा बिजनेस भी करना पड़ता है। और मैं यूट्यूब चैनल नया अभी चला रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो यूट्यूब भी चलाता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह से आता हूँ, वर्क करता हूँ, उसके बाद शाम को दिन भर में सप्लाई देने के बाद अगर शाम को मेरे को टाइम मिले तो वीडियो शूट करता हूँ, रात भर में एडिट करके वीडियो पोस्ट करता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पहले वीडियो में बताया हूँ मैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि ये किशमिश मैं लाया हूँ, ये किशमिश आप लोग देख रहे हैं, ये किशमिश है, ये किशमिश मैं ऐसे पेटी में लाता हूँ इस तरह का, और ये 15 किलो का पेटी में ऐसे बड़ा पेटी में आता है और मैं ऐसे पैकिंग करता हूँ। ये 250 ग्राम की पैकिंग है, तो इसे 250 ग्राम के पैकिंग में मैं किशमिश डाल के पैकिंग करता हूँ इसको बढ़िया से, इस तरह से आपका सीलिंग मार देता हूँ, सीलिंग मशीन से इस तरह से कुछ पैकिंग होता है। ये 250 ग्राम की पैकिंग, मैं मार्केट में 250 ग्राम के पैकेट की अच्छी डिमांड है, इसलिए मैं 250 ग्राम की पैकेट ही रखता हूँ जो मेरी आराम से निकल जाती है। इस सीलिंग मशीन इसी से मैं उसको पैकिंग करता हूँ, इससे सील हो जाती है। ये बड़ा है मेरा 16 इंच का, ये आपका छोटा भी आता है 12 इंच का। अब जैसे छोटा मुझे पहले नॉलेज नहीं था इसलिए मैंने बड़ा ले लिया, और इसका छोटा भी आता है। ये देखिए मसाला, ये देखिए मसाला का इस तरह से पैकिंग आता है, खाली पैकेट आता है, देखिए ये खाली पैकेट है, और इस खाली पैकेट में इस तरह से मैं मसाला पैक करके 1 किलो का पैकेट बताता हूँ। ये 50 ग्राम का पर पैकेट है, ये 1 kg टोटल पैकिंग बनाया गया है, इस 1 किलो का पैकिंग है। और ये देखिए ये चिली पाउडर का पैकेट भी है, इसी तरह का सेम आता है चिली पैकेट, ये सब लोकल पैकिंग आती है चिली पैकेट, ये सब देखिए इसको इस तरह से सीलिंग करके पैकेट किया हूँ मैं, पैकेट बनाया हूँ 50 ग्राम का। ये सब मार्केट में अवेलेबल मिलती है, ये सब लोकल आती है, ये सब चिली, इस तरह से वेटिंग मशीन, ये सबका सबका आप सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये चपत्ती का देखिए, आपका चपत्ती है, ये चपत्ती का भी लोकल पैकेट 250 ग्राम, मार्केट में 250 ग्राम की ज़्यादा बिकती है, इसलिए 250 ग्राम की पैकेट ही मैं ज़्यादातर रखता हूँ क्वांटिटी में, 250 ग्राम वाला ज़्यादा डिमांड आता है तो इसलिए 250 ग्राम ही डाला। इसे देखिए काजू का 250 ग्राम का पैकेट है, ये पैकिंग सहित अवेलेबल मिलती है 250 ग्राम में, बढ़िया रेट में मिल जाती है, मार्केट से उठाता हूँ मैं और इसको ड्राई फ्रूट्स में किशमिश काजू। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि मैं किस तरह से माल की घर में बैठ के पैकिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत मेरे फैमिली भी उसके लिए मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, बट यूट्यूब के लिए थोड़ा भी नहीं। तो माल की पैकिंग करके सप्लाई देके आता हूँ शाम को, फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को सवाल हो, कुछ जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं उसके लिए अलग वीडियो बना के भी आप लोगों को बता सकता हूँ। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।